Hi everyone, namaste, welcome back to my vlog channel. So ये requested video है बहुत बहुत से लोगों ने मेरे juicer के बारे में पूछा था मुझसे and ये juicer मैंने दिखाया था अपने what I eat in a day video में अपने main channel पे beauty channel पे तो बहुत सी queries आई about the juicer so I thought okay let's do a video on this juicer. I will be talking in detail इस juicer के बारे में so let's just see what the juicer is and how it works. And इसके बारे में जितनी भी मुझे knowledge है, I'll let you know. So this is how the juicer looks like. And आप देख सकते हैं एक simple सा stand की तरह है ये और ज़्यादा कुछ technical नहीं है इसमें. इसकी सिर्फ दो attachments हैं, वो हैं ये. And this is how they look like. एक इस तरह की छेद वाली जाली है और इस तरह की एक nozzle है इसमें. So इसको attach कैसे करना होता है? इस तरह से you can attach it very easily. और ये जो हमारा अटैचमेंट है ये जाता है इधर और इसे हम लॉक कर देंगे जस्ट लाइक दिस. सो ये हमारा जूसर रेडी है टू यूज़. अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज़ दिस जूसर. सो इसमें आप जो जूसेस हैं आप किसी भी सिट्रस फ्रूट या फिर जो भी इस तरह के गोल फ्रूट हैं आप उनके जूसेस निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे ये मैंने लिए हैं ऑरेंजेस. इनका साइज़ छोटा है, बड़ा भी हो तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. आप मौसम्मी ले सकते हैं, कीनू ले सकते हैं, इस तरह के आप कोई भी जूस मौसम्मी कीनू. अगर नींबू बड़े साइज़ के हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. जिस भी सिट्रस फ्रूट का आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं इसमें. इनफैक्ट इसमें अनार का जूस बहुत अच्छे से निकलता है. अनार का जूस आई नो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक आउट बिकॉज पहले आप छीलेंगे, देन उसके दाने निकालेंगे, फिर आप जूसर में डालेंगे. बट इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई जस्ट टेल यू हाउ यू कैन टेक आउट जूस. तो हमने जूस निकालने के लिए अपना जो फ्रूट है, चाहे वो कीनू है, मौसम्मी है, अनार है, हमने इसको बीच में से काटना है जस्ट लाइक दिस. सो इस तरह से हमने काटना है. सो इस तरह से मैं अपने सारे जो ऑरेंजेस है काट के रख लूँगी. सो इस तरह से हमने सारे अपने ऑरेंजेस काट लिए हैं और अभी सेम मेथड से हम अनार भी काटेंगे एकदम बीच में से. अब देख सकते हैं हमने अनार भी काट लिया है और अब चलते हैं कि जूस कैसे निकालना है यूजिंग दिस जूसर. सो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है. आप ग्लास भी ले सकते हैं अगर आप एक ही जने के लिए निकाल रहे हैं जूस. अगर आप ज़्यादा जने के लिए निकाल रहे हैं तो बेटर है कि आप बोल ले लें एक, ताकि आप एक बार में ही ज़्यादा जूस निकाल सकें. सो यहाँ हम प्लेस करेंगे हमारा फ्रूट. जैसे ये हमने ऑरेंज काटा है, हम इसको यहाँ रखेंगे और हम ये लिवर घुमाएंगे जस्ट लाइक दिस. और आप देख सकते हैं कि जूस निकलना शुरू हो गया है. एंड दैट्स इट. दिस इज़ सो सिंपल. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका जूस निकल रहा है एंड दैट टू लाइक इन अ वेरी वेरी लेस टाइम. और आप देख सकते हैं इस तरह से जो सारा आपका जूस है निकल गया है. देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द शेल. और इसमें ज़ोर बिल्कुल नहीं लगता, बहुत आसानी से आपका जूस निकल रहा है. नो इलेक्ट्रिसिटी और कोई जूसर धोने का झंझट नहीं है. सिर्फ ये अटैचमेंट निकाल के आपको धोना है. कितने अच्छे से निकल रहा है, यू कैन सी दैट. और अब मैं आपको अनार का भी निकाल के दिखाती हूँ. ये हमने अनार भी उसी तरीके से काटा है और हम ऐसे ही प्लेस करेंगे उसको एंड ये लिवर घुमाएंगे. आप देख सकते हैं कितनी आसानी से अनार का भी निकल गया. अनार के जूस निकालने में थोड़ा सा आपको दम ज़्यादा लगेगा बिकॉज इसका जो शेल है वो हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंजेस, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड. और आप यहाँ देख सकते हैं जो सारा अनार का जूस है वो निकल चुका है. सो यहाँ पे मैंने अपना जूस निकाल लिया है. सो मैं इसे अपने ग्लास में पोर करूँगी. सो दिस इज़ फ्रेशली स्क्वीज्ड जूस बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बहुत ही कम टाइम में. मुझे हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगे जूस निकालने में एंड कोई झंझट भी नहीं है जूसर साफ़ करने का. आपको जूसर साफ़ करने के लिए बस ये अटैचमेंट अनलॉक करनी है और ये बाहर है और आप ये अटैचमेंट भी अनलॉक करके इसको धो सकते हैं वेरी ईजीली. एंड जहाँ तक बात है स्टैंड की, यू जस्ट हैव टू वाइप इट रियली नाइसली. और ये एक वाइप करने से ही आपकी जो स्टैंड है क्लीन हो जाएगा. आप इसे धो भी सकते हैं
बट वाइपिंग वर्क्स बेस्ट अगेन. और ये जो जूसर है आपको किसी भी लोकल क्रॉकरी शॉप पे या मार्केट में मिल जाएगा. आई वुड सजेस्ट यू टू टेक ब्रांड कल्सी, बिकॉज कल्सी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिसने इस तरह का जूसर बनाया था. बहुत टाइम से ये बना रही है ये जो कंपनी है इस टाइप का, जिसे इसे हैंड प्रेस जूसर भी बोलते हैं. एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स ऑफ दिस मशीन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप देख सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं. नॉर्मली अगर आप मार्केट से खरीदते हैं ये आपको 1500 टू 1800 के बीच में मिल जाएगी, बट ऑनलाइन ये कई जगह महंगी है, अराउंड 2000. बट देर विल बी प्राइसेस जो मैं नीचे बताऊँगी कि जहाँ पर थोड़ी आपको सस्ती मिले. इस तरह की दूसरे कंपनीज़ की भी मशीन्स आती हैं, बट आई थिंक कल्सी इज़ वेरी वेरी रिलायबल, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक और आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर जूस लवर. बहुत आसानी से जूस निकलता है, फ्रेश जूस निकलता है और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के निकलता है. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट जूसर आई हैव एवर यूज्ड. सो या ये था जूसर के बारे में सब कुछ. एंड आई एम जस्ट गोना एंजॉय माय जूस. फ्रेश जूस की बात ही अलग है. इफ़ यू आर जूसर लवर, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो टू द लिंक एंड यू कैन ऑर्डर इट फॉर योर सेल्फ. सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर प्रोडक्ट रिव्यू. Bye-bye.